हाय, वेलकम। चलिए विज्ञापन पढ़ते हैं। एडवर्टिसमेंट, इसका प्रोनंसिएशन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टिसमेंट इसका प्रोनंसिएशन होता है सही। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैट्रिमोनियल्स वैवाहिकी के ऊपर, जिसमें हमें वर वधु की तलाश होती है। इस वीडियो में हम एकोमोडेशन यानी कि रिहायशी आवासीय पर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। यू वॉन्ट अ फ्लैट टू लिव इन ऑन रेंट, किराए पर आपको रहने के लिए एक फ्लैट की आवश्यकता है। ड्राफ्ट एन एडवर्टिसमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर एरिया, अपने क्षेत्र के लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक फ्लैट हमें चाहिए किराए पर। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्योंकि हमें आवश्यकता है, इसलिए हम एकोमोडेशन वांटेड यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। आवास की आवश्यकता है, आवासीय आवश्यकता। स्टार्ट हम करते हैं वांटेड वर्ड से, क्योंकि हमें आवश्यकता है किस चीज़ की। अ फ्लैट, एक फ्लैट की। आप यहाँ होम भी लिख सकते हैं, शॉप भी लिख सकते हैं, टू रूम्स, थ्री रूम्स, जो आपको आवश्यकता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको शॉप की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं वांटेड अ शॉप ऑन रेंट, किराए पर। क्योंकि हमें यहाँ फ्लैट की आवश्यकता है तो हम लिखेंगे वांटेड अ फ्लैट ऑन रेंट, किराए पर फ्लैट की आवश्यकता है। कहाँ स्थित हो, लोकेटेड, स्थित हो। समवेयर, कहीं। नियर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास कहीं स्थित हो। टू रूम्स, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो आप इसमें यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। अपने को टू रूम्स चाहिए तो टू रूम्स, थ्री रूम्स चाहिए तो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्री रूम्स। सेपरेट किचन, अलग से किचन बना हुआ हो, सेपरेट मतलब अलग। अटैच्ड, अगर आपको चाहिए अटैच तो अटैच्ड किचन लिख सकते हैं। स्टोर रूम हमें चाहिए अपना, जो कूड़ा कबाड़ है यानी सामान रखने के लिए। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, पानी और बिजली की सुविधा भी हो। अगर आप यहाँ अदर फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं, जैसे बेसमेंट आपको चाहिए, तल घर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेसमेंट। आपके पास अगर सामान ज़्यादा हो, आप ऊपर रखना नहीं चाहते तो बेसमेंट में सामान रख देंगे। लेट बाथ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में, लेट बाथ फैसिलिटी भी आपको चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप पार्किंग के लिए भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है रेंट अप टू 5,000, आपको कितने हज़ार रुपये तक का किराया आप पे कर सकते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। 2,000 अगर आप करना चाहते हैं 2,000 लिख दीजिए, 5,000 अगर आप कर सकते हैं तो 5,000 लिख सकते हैं, और अच्छा चाहिए 10,000 वाला तो आप यहाँ 10,000 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एड्रेस लिख देंगे कॉन्टेक्ट करने के लिए। अगर आप अदर वर्ड्स इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, प्रदूषण रहित वातावरण। एयरपोर्ट फैसिलिटी, अगर आपके कहीं पास में हो, कम दूरी पर हो, तो वह आप यहाँ बता सकते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान अपने को रखना है। मोबाइल नंबर इसमें लिख सकते हैं, ईमेल, जीमेल, जो आप लिखना चाहें वो दे सकते हैं। की लेटर टू लर्न, यहाँ नीचे की लेटर्स दिए हुए हैं, ये वो फर्स्ट लेटर्स हैं उन वर्ड्स के जो बोल्ड हैं यहाँ पर, जैसे वांटेड के लिए W, लोकेटेड के लिए L, फिर यहाँ रूम्स है, रूम्स के लिए R, किचन के लिए K, स्टोर रूम के लिए S, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए WE। इजीली लर्न कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने किराए पर लेना था इसलिए हमें आवश्यकता थी, तो वांटेड हमने लिखा था। इस क्वेश्चन में हमें किराए पर देना है, यानी कि अपने पास अवेलेबल है रूम, फ्लैट, शॉप, होम, बिल्डिंग अपने पास अवेलेबल है और हम इसे किराए पर देना चाहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव अ फ्लैट टू गिव इट ऑन रेंट, आपके पास एक फ्लैट है और आप इसे किराए पर देना चाहते हैं।
ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर एरिया, एक अपने एरिया के लिए लोकल न्यूज़पेपर के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले इसमें हम हेडिंग डालेंगे टू लेट, किराए पर देना, अवेलेबल फ्लैट टू गिव ऑन रेंट, उपलब्ध है एक फ्लैट किराए पर देने के लिए, लोकेटेड समवेयर नियर रेलवे स्टेशन, लोकेटेड मतलब स्थित है समवेयर कहीं नियर पास में रेलवे स्टेशन के, टू रूम्स दो कमरे हैं, सेपरेट किचन है, स्टोर रूम है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, लेट बाथ है, पार्किंग है और रेंट 5,000 रुपये है। ये सब फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है फ्लैट। आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं किराया, 10,000 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ अदर फैसिलिटीज़ का डिस्क्रिप्शन भी इसमें कर सकते हैं। बस हेडिंग चेंज करनी होती है, बाकी सेम वो की वो चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पर फ्लैट की जगह पर कोई बड़ी बिल्डिंग बताते हैं, कोई गोडाउन बताते हैं, कोई शॉप बताते हैं, तो फिर उनमें चेंजेस आ जाते हैं, फिर आपको हर चीज़ के बारे में बताना पड़ता है, ग्राउंड के बारे में भी बताना पड़ता है। अगर आप चाहें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ये फ्लैट स्थित है, ग्राउंड फ्लोर है, तो आप ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर लिख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स में इस एडवर्टिसमेंट को लिख पाते हैं। इसी तरह से की लेटर्स टू लर्न यहाँ पर दिए हुए हैं, जो बोल्ड लेटर्स हैं उनके लिए, ए अवेलेबल के लिए है, एल लोकेटेड के लिए, आर रेलवे स्टेशन या रूम्स के लिए, के किचन के लिए है, एस सेपरेट स्टोर रूम के लिए है, डब्ल्यू ई वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के लिए है, एल लेट बाथ के लिए है और सी कॉन्टेक्ट के लिए है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विज्ञापन एडवर्टिसमेंट का नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।